हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, गृहस्थों को राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए और यदि आपने जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो राधा अष्टमी का व्रत करना क्यों है जरूरी, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आप राधा अष्टमी का व्रत करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत तभी हमारा पूर्ण फल देता है यदि हम राधा अष्टमी का भी व्रत करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है तो राधा अष्टमी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करके आप राधा जी का स्वरूप अपने सेवित लड्डू गोपाल जी को भी दे सकते हैं। आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को राधा जी के रूप में सजाकर उन्हें राधा रानी बनाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके पास राधा रानी जी का चित्र है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। यदि चित्र है तो आप जल के छींटे लगाकर भाव रूप से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आप यदि अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना रहे हैं तो राधा जी को नीले वस्त्र इस दिन पहनाएं। राधा रानी जी का सबसे प्रिय रंग नीला रंग है। नीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, राधा रानी जी की आरती उतारें, ठाकुर जी की आरती उतारें। उसके बाद आप 12 बजे राधा रानी जी का जन्म कराएं। थाली बजाकर, शंख बजाकर, ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर राधा रानी जी का आपको दिन में 12 बजे आपने जन्म कराना है और दिन में 12 बजे तक ही आपको निर्जला व्रत रखना है। या फिर आप निर्जला नहीं रह सकते तो सुबह चाय पानी पी सकते हैं, कुछ खाएं ना। 12 बजे के बाद राधा रानी जी को आरती के बाद बढ़िया सुंदर पकवानों का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। राधा रानी जी का प्रिय भोग है रबड़ी, पान का बीड़ा या फिर आप अरबी की सब्जी, इस दिन दही वाली अरबी बना लीजिए इन और पूरी बना लीजिए। इन सब चीज़ों का राधा रानी जी को भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद सब में वितरित करें, राधा रानी जी की न्योछावर उतारें और उस न्योछावर को आप मंदिर में दान कर दीजिए और उसके बाद आप व्रत कर खोल सकते हैं। मित्रों, राधा अष्टमी का व्रत दिन में 12 बजे तक ही रखा जाता है और इस व्रत को आप राधा रानी जी के जन्मदिन पर जरूर रखें, तभी आपको जन्माष्टमी पर व्रत करने का फल मिलता है। क्योंकि राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी और राधा अष्टमी को राधा रानी जी का प्रकट्य दिवस मनाया जाता है दिन के 12 बजे तक और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रखें, यदि आप राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत खोलने के बाद आप सात्विक चीजें ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से मित्रों आप राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 को दिन के 12 बजे तक रख सकते हैं। इससे आपको पूर्ण फल मिलेगा, राधा जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। राधा जी का तो नाम लेने से ही भक्तों को पूर्ण फल मिलता है और राधा जी का व्रत करने से तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें।